जय श्री कृष्णा। अखंड ज्ञान ज्योति परिवार में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि देवी माँ जब हमसे प्रसन्न होती हैं, हमसे खुश होती हैं या हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लेती हैं, तो वह कुछ संकेत हमें बताती हैं। वह संकेत कौन कौन से हैं, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। देखिए, भगवान हमको दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो किसी न किसी रूप में हमेशा हमारे साथ अवश्य रहते हैं और हमें कुछ खास संकेतों की मदद से अपनी प्रसन्नता और क्रोध के विषय में बता ही देते हैं। जब हम ईश्वर की पूजा करते हैं तो हमारे साथ कुछ सकारात्मक ऊर्जाएं भी जुड़ जाती हैं जो हमारे आसपास एक घेरा बना लेती हैं, और जब हमारा संबंध इन ऊर्जाओं के साथ मजबूत हो जाता है तो ये हमें सीधे परमात्मा का सानिध्य प्राप्त कराती हैं, जो हमें कुछ संकेतों के माध्यम से बताती भी हैं कि उन्होंने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। तो आइए जानते हैं कि वो खास संकेत कौन कौन से हैं जो स्वयं ईश्वरीय शक्तियां हमें प्रदान करती हैं, देवी माँ हमें देती हैं। और अगर आपको पूजा के दौरान या साधना के दौरान व्रत उपवास के समय में, विशेष रूप से ये नवरात्रि जो चल रहे हैं इनमें भी, और नवरात्रि ना चल रहे हैं उनके बाद भी, जब भी कभी आप देवी की साधना करते हैं, किसी भी देवी देवता की साधना करते हैं, तो उनमें से आपको कुछ संकेत प्राप्त होते हैं। अगर आपको वो संकेत मिल जाए तो आप समझ लीजिए कि आपकी साधना सफल है, आपकी पूजा सफल सिद्ध हो गई है, आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होने वाली है और देवी आपसे बहुत ज्यादा खुश हैं, आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हैं। तो आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। सबसे पहला संकेत है, अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं, बार बार आप सपनों में मंदिर देख रहे हैं, देवी माता की मंदिर को देख रहे हैं, आप मंदिर की यात्रा कर रहे हैं, किसी तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, भगवान की मूर्ति को देख रहे हैं या साक्षात देवी को भी देख रहे हैं या उनकी फोटो को देख रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि आप पर देवी माता की कृपा हो चुकी है, उन्होंने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। सपने में आप जब मंदिर देखते हैं, मूर्ति देखते हैं, और आप देखते हैं कि आप उन मूर्ति की, उन देवी की पूजा कर रहे हैं, उनके सामने दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, उनको प्रसाद चढ़ा रहे हैं या उनको आप ढोक दे रहे हैं, उनके चरण स्पर्श कर रहे हैं, इसके साथ साथ आप उनको श्रृंगार अर्पित करते हैं, कभी आप देखते हैं कि हमको चुन्नी अर्पित करते हैं, कोई चूड़ी अर्पित करता है। अगर किसी भी भक्त को, किसी भी साधक साधिका को अगर इनमें से कोई सा भी सपना आता है, इस प्रकार का सपना आए या उसको अनुभव हो, तो समझ लीजिए कि देवी माँ ने उसको, उसकी जो प्रार्थना है वो निश्चित रूप से स्वीकार कर ली है, वह उससे बहुत प्रसन्न है, देवी उसके ऊपर अपनी कृपा निश्चित रूप से करती हैं। अगला संकेत ये होता है कि कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप किसी चीज को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं या कोई निर्णय लेते हैं, तो आपके मन में उसको लेकर कुछ संशय आ जाता है, आपको लगता है कि ये कुछ ठीक नहीं हो रहा है हमारे साथ, या जो भी हम ये काम करेंगे ये हमारे लिए ठीक प्रतीत नहीं होगा, तो ये ऐसा क्यों होता है? तो हम उस फैसले को लेने से हमारा मन हमें रोकता रहता है। इसका मतलब यह है कि आपके साथ देवी शक्ति जुड़ चुकी है, आपके ऊपर देवी का आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है। जब भी कभी आपको ऐसा संकेत मिले तो आप इसको समझ लें कि यही इसका कारण है। अगला संकेत ये होता है कि जब भी कभी आप ध्यान में, पूजा में या साधना में बैठ रहे हैं, या देवी का मंत्र जाप कर रहे हैं, या आप सो भी रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में का समय, या आप कोई एकाग्र मन से काम कर रहे हैं, या आप यात्रा कर रहे हैं, कई बार ऐसा यात्रा करते हुए भी देखा गया है कि कई भक्तों के साथ ऐसा हो चुका है, तो आपको एक मधुर संगीत सुनाई देगा, आपको मधुर ध्वनि सुनाई देगी, आपको लगेगा कि आपके आसपास कहीं कोई मंत्र बज रहा है, भले ही वो बज ना रहा हो कहीं ना कहीं, लेकिन आपके कानों में उसकी ध्वनि अपने आप आ जाती है, जैसे कोई देवी मंत्र बोल रही है, कोई स्त्री मंत्र बोल रही है, कोई बालिका मंत्र बोल रही है, ऐसा आपको जरूर महसूस होगा। तो भजन आप सुन रहे हैं और आपको भजनमय माहौल बनता है, आपके अंदर से भजन करने का, देवी के प्रति मंत्र गाने का एक अद्भुत अनुभव आपको होने लगता है कि हम भी ऐसा करें, और आपका मन रोमांचित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, आप खुश हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो और कई बार होता है कि आपको मंदिर में बजने वाले घंटे, ढोल, नगाड़े या देवी की पूजा में जो भी वाद्य यंत्र बजते हैं वो आपको सुनाई देने लगते हैं, भले ही वो बज ना रहे हो लेकिन आपको उनकी आवाज़ आएगी, और आपके साथ कोई बैठा उसको ऐसा महसूस नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है वो देवी के साथ ना कर रहा हो लेकिन आप कर रहे हैं, आपके ऊपर देवी का आशीर्वाद है, तो आपको ऐसा महसूस होगा। ऐसा आपको नींद में हो सकता है, ब्रह्म मुहूर्त में हो सकता है, ध्यान में बैठे हैं, या आप ये अगर आप ध्यान में बैठे हैं तो आपके लिए पास ये स्पष्ट संकेत है कि अब देवी आपके ऊपर कृपा कर रही हैं, क्योंकि ऐसा बहुत कम लोगों को ये संकेत प्राप्त होता है। संकेत तो कई सारे हैं, हो सकता हो कि हम जितने भी संकेत बता रहे हैं आपको सब आपको मिलते हो, या हो सकता है उनमें से कोई एक आध संकेत भी आपको मिलता हो या एक भी ना मिलता हो, लेकिन ये जो हमने आपको बताया कि ध्यान में बैठ के अपने आप ही मंत्र की आवाज आ जाना, अपने आप ही मधुर ध्वनि संगीत सुनना, ऐसा रहो कि देवी आपके कान में आके कुछ बोल रही हैं, या आपके पास आप जो मंत्र जाप कर रहे हैं वो आपके कान में कोई मंत्र बोल रहा है, बार बार आपको एक रोमांचित हो रहे हैं, आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, इसका मतलब यही है कि देवी आपके साथ ही हैं, आपके ऊपर वे अपनी कृपा बनाए हुए रखी हैं। इसके बाद अगला संकेत ये होता है कि
पूजा के दौरान जब भी आप देवी की प्रतिमा या मूर्ति से आप उनके सामने बैठे हैं और आप देखते हैं कि अचानक से कोई फूल आपके पास आके गिर जाए या उनकी माला आपके पास गिर जाए। देखिए, आपने बहुत सारी हिंदी फिल्मों में ऐसे ही कई घटनाएं देखी होंगी कि देवी का फूल गिर गया या माला गिर गई, तो यह कोई एक फिल्मी बात नहीं है, यह एक स्पष्ट संकेत है, यह बेहद शुभ संकेत है। इससे पता चलता है कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है, देवी आपके साथ हैं, देवी ने आपके ऊपर अपनी कृपा की है और अब आपकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होने वाली है क्योंकि उन्होंने आपकी जो इच्छा है वो स्वीकार कर ली है। मंदिर हो या घर में की जाने वाली पूजा, अगला संकेत यह है कि जब भी कभी आप घर में पूजा कर रहे हैं या मंदिर में कर रहे हैं, आप जो दीपक जलाते हैं, आप जो दीपक प्रज्वलित करते हैं, उसकी ज्योति का जो दीप जो उसकी जो दीपक की जो ज्योति है वो अवश्य प्रज्वलित करते ही करते हैं। अगर आपके द्वारा जलाए गए दीपक की लौ कुछ ज्यादा ही ऊपर उठ जाती है या वह ज्यादा ऊपर की ओर भाग रही है, सीधी खड़ी हो जा रही है, या फिर उसमें आप देखेंगे कि एक फूल जैसी आकृति, जो रुई की बत्ती होती है उसकी लौ में आप देखेंगे एक फूल जैसी बत्ती बन रही है या ओम की आकृति बन रही है, तो समझ लीजिए आपकी भक्ति और आपकी श्रद्धा से अब देवी को प्रसन्न आप कर चुके हैं और वे अवश्य ही आपकी चिंता करेंगी और करती हैं, ऐसा होता ही होता है, तो ये भी एक संकेत मिलता है। अगला संकेत है कि कई बार ऐसा होता है कि जब आप अपने मंदिर में धूप बत्ती जलाते हैं, बहुत लोग अगरबत्ती जलाते हैं, हालांकि अगरबत्ती जलानी नहीं चाहिए लेकिन जो लोग जलाते हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ, जो लोग धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाते हैं तो आपको धूप बत्ती जलाने से पहले ही आपको एक विशेष रूप से एक विशेष सुगंध का आपको एहसास होगा, एक ऐसी अजीब सी खुशबू जो आपको मंत्रमुग्ध कर देगी, आपके मन को हर्षाएगी, आपको एकदम मन मोहित कर देगी, ऐसी आपको खुशबू आपको आने लग जाए तो समझ लीजिए कि अब देवी शक्ति आपके ऊपर हैं, देवी शक्ति का हाथ आपके ऊपर है और उनकी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। देखिए, अगला संकेत हम बता रहे हैं आपको, जब क्या होता है कि जब देवी आपसे प्रसन्न होती हैं, वह आपकी साधना से, आपके व्रत से, आपके उपवास से, आपकी श्रद्धा को देख के जब वह प्रसन्न हो जाती हैं तो वह आपके पास संकेत भेजती हैं, तो इसके लिए वो क्या करती हैं, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे भक्तों को, बहुत सारे देवी के साधक साधिकाओं को, विशेष रूप से देवी माँ के, दुर्गा के साधक साधिकाओं को या काली माता की, अब देवी के किसी भी रूप की साधना कर रहे हैं, उन सबको भैरव जी की कृपा प्राप्त होती है, भैरव जी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं, भैरव जी के दर्शन को स्वप्न में मिल जाते हैं या उनको एक एहसास होता है कि अब भैरव जी हमारे पास हैं, उनके मन में ये इच्छा उठती है कि अब हम भैरव जी की भी पूजा करें, तो ऐसा जब होता है तो इसका मतलब यही है कि देवी आपके पास ये संकेत भेज रही हैं, देवी आपको बताना चाह रही हैं कि देखो भक्त अब, या देखो बेटा अब हमने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। अगर जब भी कभी आपको भैरव जी के स्वप्न में दर्शन हो जाएं या भैरव जी की पूजा करने का मन में भाव उठे तो आपको क्या करना है, आपको देवी के मंदिर जाना है, जिस देवी की आप आराधना करते हैं उनके मंदिर जाएं, और नवदुर्गे चल रहे हैं तो नवरात्र में जाएं, नहीं तो आप वैसे भी अगर आप साधारण रूप से पूजा करते हैं तो भी जाएं और आप भैरव जी के दर्शन अवश्य करें, देवी के तो दर्शन करना ही करना है और आपको भैरव जी के दर्शन करना है, उनको यथासंभव हो सके तो आप जो भेंट चढ़ाएं उनको वो भेंट उनको दें और दोनों के दर्शन करें, दोनों को यथासंभव भेंट दें। और हमेशा एक बात हम और भी बता रहे हैं, आप ये ध्यान रखिए, जब भी कभी आप माता जी की पूजा करते हैं, किसी भी देवी की आप आराधना करते हैं, साधना करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, तो आपको अंत में जो है भैरव जी की जय जरूर बोलना चाहिए, क्योंकि बिना भैरव जी की जय बोले, बिना भैरव जी को नमन करें, उनको प्रणाम करें, उनके प्रति श्रद्धा समर्पित करे हुए आपको देवी की कृपा नहीं मिल सकती, तो इसलिए भैरव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए भी आपको देवी की कृपा मिलेगी। एक बात और भी कि अगर आपको भैरव जी की कृपा मिलती है तो आपको देवी की कृपा अपने आप ही मिल जाती है, या फिर देवी अगर कृपा करती हैं तो भैरव जी भी स्वयं भी आपके ऊपर कृपा करने लग जाते हैं। तो ये अगला संकेत हम आपको बताने वाले हैं, पूजा के दौरान अगर आप जो धूप बत्ती जलाते हैं अगर उसका धुआं सीधे देवी की तरफ मुख करता हुआ चला जाए और उसमें से अगर ओम जैसी आकृति बनती दिखाई दे तो यह भी एक शुभ संकेत माना जाता है, इससे भी प्रकट होता है कि देवी आपकी आपकी पूजा प्रार्थना से खुश हैं। अगला संकेत यह है कि जब भी कभी आप पूजा कर जब भी कभी आप देवी जी की पूजा करते हैं, उनकी व्रत साधना में आप हैं, आपने कोई संकल्प लेकर देवी की पूजा कर रहे हैं तो आपको स्वप्न आते हैं, इनको हम दिव्य स्वप्न बोलते हैं, दैवीय स्वप्न बोलते हैं, क्योंकि देवी आपको संकेत देती हैं, तो आपके स्वप्न में क्या होता है कि आप देखते हैं कि आप कन्याओं का पूजन कर रहे हैं, आप छोटी छोटी कन्याओं का पूजन कर रहे हैं, वो एक कन्या का भी देख सकते हैं आप, या नौ कन्याएं, या पांच कन्याएं, चार कन्याएं, मतलब आप कन्या को देख रहे हैं बस, और आप उनका स्वप्न में आप उनका पूजा कर रहे हैं, आप उनको प्रसाद अर्पित करते हैं, आप उनको विधिवत उनको चुन्नी देते हैं, उनको तिलक करते हैं, उनको वस्त्र देते हैं, अगर आप सपने में ये सब देख रहे हैं आप और कन्या आपको आशीर्वाद दे रही है, कन्या आपके साथ खेल रही है, आपको देख के मुस्कुरा रही हैं, आपसे बहुत खुश हैं, आपके सर पे हाथ रखी हुई हैं, तो इसका मतलब है कि अब आपकी सारी बाधाएं खत्म हो चुकी हैं, आपके सारे कष्ट समाप्त हो चुके हैं और आप कन्याओं का पूजन अगर आपको ये सपना आ जाए तो आपको क्या करना है, चाहे वो नवरात्र हो या ना हो,
अगर आप देवी की साधना कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, हो सकता है कि आपने साधना करके पूर्ण कर लियो, उसके बाद आपको ये सपना आए, तो भी आपको क्या करना है, आपको कन्याओं का पूजन करना है, आपको घर पे कन्याओं को निमंत्रण देना है, अपने घर बुलाना है, उनको उनका तिलक करना है, उनका जैसा हम नौ दुर्गों में जैसे हम नौ देवियों के टाइम पे हम कन्याओं को पूजन करते हैं, तो उनको यथासंभव आप दान दक्षिणा दें, उनको भोजन कराएं, कन्याओं का मनपसंद भोजन कराएं। और नवरात्रि में इसका विशेष महत्व है, तो जब भी कभी ये सपना आता है, ये सपना भी, कन्या भोजन का सपना भी हर किसी को नहीं आता, ये सपना भी बहुत कम या उच्च भक्तों को ही आता है। तो अगला संकेत ये है, अगला संकेत हम आपको बता रहे हैं, जब कभी आप देवी जी की पूजा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो आपके सामने आप हमेशा अपने सामने कोई ना कोई देवी की प्रतिमा, मूर्ति, चित्र अवश्य रखते हैं। अगर आप पूजा नहीं कर रहे हैं, आप ऐसे ही चलते फिरते कभी देवी के दर्शन कर रहे हैं, तो भी आपको ऐसा महसूस होगा, आप देखेंगे कि जो आपके पास जो प्रतिमा है, जो देवी की तस्वीर है, हो सकता है मंदिर में भी आपको ऐसा महसूस हो, तो जो देवी की तस्वीर है या प्रतिमा है, उसके भाव बदल रहे हैं, मूर्ति का रंग बदल रहा है, मूर्ति बहुत प्रफुल्लित हो रही है, हंस रही है, खुश हो रही है, वह आपसे कुछ कहना चाह रही है, और आपको लग रहा है कि शायद मूर्ति हिल भी रही है, देवी की तस्वीर, देवी की प्रतिमा जो स्वरूप है वो हिल रहा है, रंग बदल रहा है, या कभी उसकी आंखें पलक झप कर रही हैं, ऐसा आपको लगता है, आपको लगता है कि देवी के मुख पर एक अद्भुत ममतामयी भाव उत्पन्न हो गया है, देवी करुणा से भर चुकी हैं, देवी आपके ऊपर दया करना चाहती हैं, आपको ऐसा महसूस होगा, आप रोमांचित हो जाएंगे, आपकी जो रोंगटे हैं वो खड़े हो जाते हैं, और इसके साथ साथ आप भी अंदर से प्रसन्न हो जाते हैं, आपको लगता है कि बस देवी के दर्शन करते ही हमारे सारे जो कष्ट थे, थकान थी, जो आप पीड़ा सहन कर रहे थे, अचानक आप देखते हैं कि वो कम हो गई या खत्म हो गई, जब तक आप देवी के सामने तब तक वो खत्म हो गई, तो ये एक संकेत है, ये स्पष्ट संकेत है कि देवी आपके ऊपर प्रसन्न है और आपके ऊपर बहुत ज्यादा वो कृपा कर रही हैं और आपकी प्रार्थना स्वीकार कर चुकी हैं। इसके अलावा जो देवी भक्त होते हैं, जितने भी लोग साधक साधिकाएं होती हैं, उनके साथ एक विशेष घटना और भी होती है कि उनको भविष्य में होने वाली घटनाओं के संकेत मिलने लग जाते हैं, उनको ऐसा महसूस हो जाता है कि अब ये कुछ जो होने वाला है ये खराब हो रहा है या गलत हो रहा है, या आने वाला समय हमारा खराब होगा या गलत होगा, उनको ये अपने आप उनके मन में अपने आप से ये बात उठने लग जाती है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन पर दैवी लोग, दैवी शक्तियों का आशीर्वाद है, देवताओं का आशीर्वाद है। अगर आप किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वही देवी आपके ऊपर कृपा करे, हो सकता है उनसे संबंधित देवी की जो साधक साधिकाएं होती हैं, कई सारी होते हैं, जो दिव्य शक्तियां होती हैं, जो देवी के बराबर नहीं पड़ती, थोड़ी छोटी होती हैं, वह भी आप पर कृपा करना शुरू कर देती है, वह आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाती हैं। इसके अलावा अगला संकेत यह है कि आपको सपने में देवी पूजा करते हुए, यानी कि देवी की साधना करते वक्त या उसके बाद भी, अगर आपको सपने में गुड़हल का लाल रंग का फूल दिखाई दे, तो ये बहुत शुभ है। देखिए, गुड़हल का लाल रंग का फूल माता जी को बहुत ज़्यादा पसंद है, देवी इसको बहुत ज़्यादा उनको प्रिय लगता है ये फूल, तो अगर आपको ये फूल दिखाई दे सपने में, आप देख रहे हैं कि सपने में आपके पास गुड़हल का फूल है, या आपको देख रहे हैं पेड़ पे लगा हुआ देख रहे हैं, आपके पास है, घर में है, आप कैसे भी किसी प्रकार से गुड़हल का फूल देख रहे हैं लाल रंग का, तो आपको क्या करना है, आपको उठकर अगले दिन मंदिर में जाना है और देवी को लाल रंग का गुड़हल का फूल समर्पित करना है, अपनी प्रार्थना बोलते, अपनी मनोकामना बोलते समर्पित कर देना है। ऐसा करने से आपकी प्रार्थना स्वीकार तो हो ही चुकी है, क्योंकि तभी आपके पास ये संकेत आया है, लेकिन फिर भी आप एक बार जाके देवी को ये फूल चढ़ा दें और देवी के सामने नतमस्तक होकर उनको श्रद्धा अपनी अर्पित करें, उनको पुष्प अर्पित करें, इसी प्रकार का भाव रखें। तो ये थे कुछ संकेत। इसके अलावा एक संकेत और भी है कि जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, वह चाहे अमीर हो चाहे गरीब, वह किसी भी स्थिति में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, देखने में बस साधारण सा लग रहा हो, लेकिन आप देखेंगे कि उसको हर जगह सम्मान मिलता है, वह कुछ कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल कर लेता है, क्योंकि यह निशानी है देवी की कृपा की, क्योंकि देवी उन्हें हर परेशानी से बचा लेते हैं, उनकी चिंताओं को, उनकी बाधाओं को खत्म कर देते हैं, उन पर कृपा करते हैं, तो इस प्रकार के संकेत आपको मिलते हैं। तो देखिए, ये थे वो संकेत जो हमने आपको बताए कि देवी आपके ऊपर जब प्रसन्न होती हैं, आपसे खुश होती हैं, आपके ऊपर कृपा करती हैं, तो आपको ये संकेत देती हैं। तो जब भी कभी आपको इस प्रकार के संकेत मिले, तो आपको करना क्या है, मंदिर में जाना है और मंदिर में जाके देवी के प्रति श्रद्धा समर्पित करें, उनको नतमस्तक करें, उनको ढोक दें, उनकी विधिवत पूजा करें, घर पे भी कर सकते हैं और आप ऐसा ही करें। तो हम आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। देवी माँ आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें, ऐसे ही आप देवी की पूजा पाठ करते रहें, उनकी साधना करते रहें। जय श्री कृष्णा।